कूपर एंड शट केस दोनों मियां बीवी एक साथ फांसी लगा के लटक गए। और कोई खास एविडेंस? इन्वेस्टिगेशन मत करो मैडम, रिपोर्ट करो बस। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ, मेरा काम ही सच सामने लाना है, तो सवाल तो मैं पूछूंगी और जवाब अगर सही नहीं मिले तो इन्वेस्टिगेशन भी करूंगी। शाह प्राइवेट डिटेक्टिव, क्या कर रहे हो यहाँ पे? ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। मेरे पास ताल्लुकात हैं, जरिए हैं और इन सब का इस्तेमाल मैं सच्चाई पता लगाने के लिए कर सकता हूँ। पापा के रहते तो आपको कोई फिक्र नहीं थी, उनकी मौत के बाद आपको बिजनेस डील सब याद आ रहे हैं। आपको सिर्फ उनकी दौलत से मतलब है। अपनी जबान को लगाम दो। नहीं तुम्हें यहाँ देखकर बहुत इत्मीनान हो। इसके अलावा कोई बात जो इसे उन बड़े नामों से जोड़ती हो जिनकी मौत भी इसी अंदाज में हुई? नहीं जी, ऐसी तो कोई मालूमात नहीं, मुझे तो इत्तेफाक लगता है। खान साहब वसीयत लेके उनके पास गए तो वो उस वसीयत को सबके सामने पढ़ना चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मिस नताशा पीटर, आपकी स्टोरी आज सुबह मेरी टेबल पर होना चाहिए थी। दरअसल वो सिंपल सुसाइड केस नहीं है, इसका हर पहलू फैब्रिकेशन ऑफ मर्डर की तरफ इशारा कर रहा है। बड़ी जर्नलिस्ट बनेगी, जहाँ जाना नहीं वहाँ भी जाएंगी। इतनी बड़ी खुशखबरी अलग से उतर नहीं रही। जासूसी समझ आती है, रिपोर्टिंग भी समझ आती है, लेकिन इतनी रात गए बख्तावर शेख के ऑफिस में चोरों की तरह क्या ढूंढ रहे थे? ऐसा कभी होता नहीं और इस केस में कुछ भी ठीक होता नजर नहीं आता। हमारे भी सोर्सेज हैं, आपको तो पता है हाउ इट वर्क्स। इस हरकत के पीछे कौन है मैं जानती हूँ। ये वही सेम ब्रांड आदि पीवी सिगरेट है जो मुझे आबिद के घर में तहकीकात करते हुए मिली। मैं जो मांग रहा हूँ वो मुझे दे दो। वक्त नहीं है आपके पास। टिक टॉक टिक टॉक।